ऑडियंस को मैनिपुलेट कर रहे हो, क्यों जो नए क्रिएटर्स आ रहे हैं उनको मैनिपुलेट कर रहे हो, उनको डिमोटिवेट कर रहे हो। याद रखो सीडी पे बैठ के तुमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, क्या बाकी जो इतने लाखों स्टूडेंट्स बचे हुए हैं वो चूतिया हैं, उनको कुछ पता नहीं है फ्यूचर क्या है, किसी को पता नहीं है। तो ट्राई हर किसी को करना चाहिए। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज इस वीडियो में मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। देखो कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं ना जो जिनके अगर मिलियन में सब्सक्राइबर हो गए हैं तो वो सोचते हैं कि वो है यूट्यूब के भगवान, यूट्यूब के गॉड, वो जो बोलेंगे वही सही होगा, वो जो बोलेंगे वही होगा और वो जो बोलेंगे वही उनके सब्सक्राइबर्स को या नए यूट्यूबर्स को करना चाहिए। तो देखो सबसे पहले अपनी औकात याद रखो हमेशा, तुमने भी एक टाइम जीरो से स्टार्ट किया था, आज भले ही तुम्हारे मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं है कि तुम ऑडियंस को मैनिपुलेट करोगे। यूट्यूबर है एक मनोज नाइट, जी हाँ आपने उसका वीडियो देखा होगा, अभी मेन चैनल पे उसके जो है वो 4 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं और ब्लॉग चैनल पे है 1.5 मिलियन के आसपास उसके सब्सक्राइबर्स हैं। तो उसने मेन चैनल पे एक वीडियो डाला था कि सौरभ जोशी जैसा बनना बंद करो, सपना देखना बंद कर दो। मैंने वो वीडियो देखा, मेरे में क्यूरियोसिटी जगी, मैंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, एक मेरे भाई ने मेरे को वीडियो भेजा, मैंने जब देखा वो वीडियो तो मेरे को इतना गुस्सा आया कि मुझे उसी टाइम मतलब ऐसा होता है ना अगर सामने से मेन अकाउंट से तो कुछ बोल नहीं सकते ना कमेंट सेक्शन में जाके, तो मैंने सोचा है यार इस पे वीडियो करेंगे और जवाब देंगे कि क्यों जब तुम एक बड़े यूट्यूबर बन जाते हो तो ऐसी हरकतें करना क्यों जरूरी है, क्यों ऑडियंस को मैनिपुलेट कर रहे हो, क्यों जो नए क्रिएटर्स आ रहे हैं उनको मैनिपुलेट कर रहे हो, उनको डिमोटिवेट कर रहे हो, होते कौन हो तुम अपनी भी हैसियत याद रखो। सीडी पे बैठ के तुमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, आज भले ही 4 मिलियन तुम्हारे फॉलोवर्स हैं सब्सक्राइबर्स हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं जो तुम बोलोगे वही सही हो जाएगा, जो तुमको लग रहा है वही सही है, ऐसा नहीं होता है भाई साहब। कि सबसे आसान आजकल के टाइम में ब्लॉगिंग का हो गया है, जी हाँ मैं मानता हूँ ब्लॉगिंग करना बहुत आसान हो गया, बहुत सारे ब्लॉगर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसका क्या मतलब, तुम ये बोलोगे कि यार ब्लॉगिंग करना छोड़ दो, लोग शूट करते हैं एडिट करते हैं सटाओ घटाओ हटाओ, ऐसा तुम बोलोगे। हिम्मत होता है बहुत सारे लोगों का पब्लिकली जाके वीडियो रिकॉर्ड करना शूट करना, हर किसी के पास हिम्मत नहीं होता है, और चलो ठीक है संख्या ज्यादा है लेकिन इसका क्या मतलब लोग अपना ट्राई करना छोड़ देंगे, नहीं। यूपीएससी में लगभग 5 से 6 लाख स्टूडेंट्स हर साल बैठते हैं, सीट होता है 800-900 हजार, तो क्या बाकी जो इतने लाखों स्टूडेंट्स बचे हुए हैं वो चूतिया हैं, उनको कुछ पता नहीं है या उनको पता नहीं है ये चीज, ये सच्चाई कि यार इसमें से तो सिर्फ 1000 ही सीट है। कोई भी बंदा 1000 सीट नहीं देखता, वो देखता है अपना सिर्फ एक सीट कि हाँ मैं इसके लिए कैपेबल हूं, मेरे को ये सीट चाहिए, उसी में से जो बेस्ट होता है उसको वो सीट जो है मिल जाता है। तुम बात करते हो सौरभ जोशी की, सौरभ जोशी ने भी जब आपसे 3-4 साल पहले स्टार्ट किया था तो उसने भी क्या सोचा था कि वो इतना बड़ा ब्लॉगर बन जाएगा, जी नहीं, कोई नहीं सोचता। फ्यूचर क्या है किसी को पता नहीं है, तो ट्राई हर किसी को करना चाहिए, हर किसी को ये सोचना चाहिए कि वो बड़ा बन सकता है। तुमने आज 4 व्हीलर ले लिया, घर बनवा रहे हो, शादी कर ली, इसका ये मतलब नहीं कि तुम एकदम सक्सेसफुल हो गए हो। आज यूट्यूब चल रहा है कल नहीं चलेगा, वापस से वही हैसियत हो जाएगी, तब क्या करोगे, लोगों को मैनिपुलेट करना बंद कर दो, ठीक है। और वो वीडियो में तुमने लास्ट में क्लेरिफिकेशन भी दिया है, क्लियर भी किया है, जस्टिफाई भी किया है कि नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं होता है, चूतिया की तरह थंबनेल बनाओ और पूरे वीडियो में पकाओ और लास्ट में जाके बोल दो कि नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। तुमने भी जब शादी की तो कंटिन्यू व्लॉग्स डाल रहे थे, कंटिन्यू तुम्हारे डेली 2-2 वीडियोस आ रहे थे, क्यों तब तुम वीडियो बना रहे थे, क्यों। हर किसी का लाइफस्टाइल जो होता है ना वो अलग होता है, इस देश में या इस दुनिया में जितने सैकड़ों करोड़ों लोग हैं, भारत की बात कर ले 150 करोड़ लोग हैं, हर किसी की अपनी स्टोरी होती है, हर कोई जब सुबह से उठता है ना शाम तक उसके साथ ऐसी ऐसी चीजें होती है जो हर किसी के साथ नहीं होती, सबका इंडिविजुअल अपना स्टोरी है। अगर वो चीज लोग दिखाना चाहते हैं, वो बता रहे हैं अपने स्टोरी में, तो तुमको क्या प्रॉब्लम है, क्या तुमको प्रॉब्लम है कि कोई तुमसे बड़ा बन जाएगा, नहीं, ये चीज गलत है। डिमोटिवेट कभी मत करो किसी को भी, हर किसी को बोलो चलो ठीक है बनाओ अच्छे से बनाओ, मेहनत करते रहो, सक्सेसफुल होना ना होना वो ऊपर वाले के हाथ में है, वो किस्मत की बात है, लेकिन तुम ये बोलने वाले कोई नहीं होते कि तुमसे नहीं होगा, वीडियो बनाना छोड़ दो, आसान है बस सटाया घटाया हटाया, बोलने का तरीका है नहीं, चल देते हैं यूट्यूब पे वीडियो बनाने, पागल लोग। तो जो भी वीडियो देख रहे हो उसके सब्सक्राइबर्स, गाली देना है दे दो लेकिन जो सच्चाई है वही है। और जो नए क्रिएटर्स देख रहे हो उनको मैं एक बात बता देता हूं, जो मन में आए वो कंटेंट बनाओ, टेंशन मत लो कब कौन सा चीज वायरल हो जाएगा,
ये आपको भी पता नहीं है, खुद YouTube को भी पता नहीं है कि कौन कब नया एक क्रिएटर बन जाए, और जो भी क्रिएटर चलते हैं ना उनका कुछ ही दिनों का टाइम होता है। आप एग्जांपल देख लो, टेक्निकल गुरुजी से लेके मुंबई का निखिल से लेके जितने भी और बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, एक टाइम इनकी तूती बोलती थी, लेकिन अब अभी के टाइम में वो बिल्कुल एवरेज पे आ गए हैं। तो ये था इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करते हो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।